रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुजुकी GS150 2010 मॉडल, जिसकी हमने कंप्लीट रिस्टोरेशन एंड मॉडिफिकेशन की है। इस बाइक में हमने कौन कौन सी चीज़ें तब्दील की हैं, कौन कौन सी चीज़ों की हमने मॉडिफिकेशन की है, सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। और साथ में हम आपको इस बाइक के एक्सपेंस डिटेल भी बताएंगे कि इस बाइक को मुकम्मल रिस्टोर और टोटली मॉडिफिकेशन करने पे कितने एक्सपेंस आए हैं। और एंड में आपको ओनर रिव्यू भी देंगे कि इस बाइक के जो ओनर हैं उनका फीडबैक क्या है इस बाइक के रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस बाइक में हमने कौन कौन सी चीज़ों को तब्दील किया है। आप देख सकते हैं इसका हैंडल बार, इसका ये जो हैंडल बार है ये वो हैंडल बार है जो सुजुकी 125 में अभी न्यू मॉडल जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर आया है। इसको हमने ब्लैक कलर कर दिया है, मैट ब्लैक कलर। जो पहले इसका ये हैंडल बार था ये सिल्वर में था। उसके बाद ये जो मीटर है, मीटर आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत डिजिटल मीटर है इसका। इस मीटर की क्वालिटी ये है कि इसके अंदर बहुत सारे आपको ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो आम मीटर के अंदर नहीं होते। ये मीटर बेसिकली यामाहा YBR के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसको भी हमने सुजुकी GS150 में इंस्टॉल कर दिया है। थोड़ी बहुत हमें इसकी अल्टरेशन करनी पड़ी है। उसके बाद इसकी ये जो ग्रिप असम्बली है ये बेसिकली है तो सुजुकी की ही, लेकिन ये न्यू मॉडल की है, वो भी हमने इसी बाइक में इंस्टॉल की है। इस बाइक में पहले डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं था, वो भी हमने इस बाइक के अंदर इंस्टॉल किया है। इसकी हेडलाइट की बात की जाए तो इंतहाई खूबसूरत छोटी हेडलाइट है, मेटल बॉडी में है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बिल्कुल जेन्युइन टाइप ही है। उसके बाद इसके इंडिकेटर्स की बात की जाए तो इंतहाई खूबसूरत 3D इंडिकेटर विद DRL। इसके अंदर ये जो DRL है रेड कलर का है, ये आप हेडलाइट के साथ भी ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहें ब्रेक के साथ ऑन करना, ब्रेक के साथ भी ऑन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेड है। उसके बाद इसके फ्रंट साइड पे आ जाएं तो इसका जो ट्यूबलेस टायर हमने, ये भी हमने इसका न्यू डाल दिया है। इसका अलाई रिम पहले नहीं था, स्पोक्स वाले रिम थे, वो भी हमने न्यू लगा दिए हैं। उसके बाद इसकी डिस्क ब्रेक की बात की जाए, क्योंकि पहले स्पोक्स वाले रिम थे इसके, तो उसके अंदर ड्रम ब्रेक होती है, तो इसके अंदर हमने डिस्क ब्रेक भी इंस्टॉल की है, डबल कैलिपर डिस्क ब्रेक, ये पहले ऑप्शन नहीं था। इसके सस्पेंशन की बात की जाए तो ये 150 cc के हैवी सस्पेंशन है, क्योंकि जब डिस्क ब्रेक इंस्टॉल की जाती है तो सस्पेंशन बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने इसके 150 cc के बड़े सस्पेंशन लगा दिए हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो अभी हम आ जाते हैं इंजन की तरफ। इंजन बेसिकली इसका वही जेन्युइन ही है और इसको हमने ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया, जस्ट इसका हमने कलर चेंज कर दिया है। थोड़ा बहुत जो काम होने वाला था इंजन का वो किया है। पहले इसका इंजन का जो कलर था वो टोटली सिल्वर था, हमने इसको मैट ब्लैक में किया है। उसके बाद इसके कार्बोरेटर की बात की जाए तो इसके कार्बोरेटर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो इसका ओरिजिनल कार्बोरेटर था, तो इस बाइक में हमने होंडा CG125 का कार्बोरेटर इंस्टॉल कर दिया है, जिससे इस बाइक की जो स्टार्टिंग है, एवरेज है, वो सारी बेहतर हो गई है, क्योंकि इस बाइक का जो ओरिजिनल कार्बोरेटर है बहुत ज़्यादा महंगा है, इसीलिए हमने क्रॉनली फान का इसके अंदर कार्बोरेटर इंस्टॉल कर दिया है। इसके सिलेंसर की बात की जाए तो वो भी टोटली जेन्युइन ही है, लेकिन इसकी बैक साइड पर हमने कुछ होल्स कर दिए हैं ताकि इसका साउंड पहले से इंक्रीज़ हो जाए। अभी हम आ जाते हैं इस बाइक की बैक साइड पे। बैक साइड पे आपको बताते चलें कि रियर साइड पे भी हमने छोटा अलाई रिम इंस्टॉल किया है। जो इसका ओरिजिनल अलाई रिम होता है वो 18 इंच का होता है, इसमें हमने 16 इंच का अलाई रिम इंस्टॉल किया है। उसके बाद जो इसका टायर है 110/90/16 का टायर है, बहुत ही हैवी लुक देता है ये टायर इंस्टॉल होने के बाद। और बैक साइड से ये बाइक थोड़ी सी डाउन हो चुकी है और फ्रंट साइड से थोड़ी अप हो चुकी है। उसके बाद इसकी बैक साइड पर हमने एक मड लगा दिया है और जो इसका ओरिजिनल मड गार्ड होता है वो हमने ख़त्म कर दिया है। रियर साइड पर भी हमने LED इंडिकेटर्स विद DRL जो हमने फ्रंट साइड पे इंस्टॉल किए थे वही सेम हमने रियर साइड पे भी इंस्टॉल कर दिए हैं। इसकी बैक लाइट की बात की जाए तो 2-in-1 इसकी बैक लाइट है, जो ब्रेक के साथ भी चलती है, इंडिकेटर्स के साथ भी चलती है। तो आप देख सकते हैं अगर आप लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर्स ऑन करेंगे तो बैक लाइट में भी इंडिकेट होगा, राइट साइड का करेंगे तो राइट साइड पर भी इंडिकेट होगा। बहुत ही खूबसूरत इसकी बैक लाइट है। तो इसके सिंगल स्टैंड की बात की जाए तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, फैंसी आइटम है। आर्टिफिशियल सिंगल स्टैंड भी इंस्टॉल किया है और गियर लीवर भी कुछ इसी तरह का है। बाकी सारी चीज़ें इसकी जेन्युइन है, आप देख सकते हैं इसकी लुक कैसी है। अभी इसके टोटली एक्सपेंस की बात की जाए तो ओनर आपको खुद ही बताएंगे कि इस बाइक पर उन्होंने कितना खर्चा किया है और कितना टाइम लगा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा भाई, जो इस बाइक के ओनर हैं। इन्होंने बहुत ही शौक़ से इस बाइक को मॉडिफाई करवाया है। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम सलाम। सलाम भाई, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाइक आपकी माशाल्लाह रेडी हो गई है, आपको पसंद आई है? बिल्कुल अच्छी हो गई है। बिल्कुल अच्छी है। अच्छा उसामा भाई, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा बेताब है ये जानने के लिए कि इस बाइक पर ख़र्चा कितना हुआ है, तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताएँ कि आपने इस बाइक पर टोटल कितना खर्चा कर दिया है? भाई वकार, इस बाइक पर तकरीबन 1,20,000 के लगभग खर्चा आया है। अच्छा, मुकम्मल तैयार होने तकरीबन।
ठीक है, तो आपको इस बाइक का ये जो शौक है कैसे पैदा हुआ? आपको ये जो डिज़ाइन आपने तैयार करवाया अपनी मर्जी से, तो आपने इस तरह का डिज़ाइन क्यों तैयार करवाया? जी एस बेसिकली ये है कि ना पावरफुल बाइक है, ठीक है, इसी वजह से मैंने सोचा चलो जी एस को मॉडिफाइड करवाते हैं, थोड़ा बहुत इसकी जो चीज़ें थी ना वो लेकर ही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो इसे मॉडिफाइड करवा कर देखते हैं। वैसे भी मैंने देखी है यूट्यूब पे ना काफ़ी वीडियो आई हुई है ना, सही है, तो मैंने देखा उनमें भी काफ़ी इंटरेस्ट आया मुझे, सही, तो इसी वजह से मैंने ये मॉडिफाइड करने का सोचा। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आप हमारे पास क्यों आए, और किस तरह आपको पता चला कि हम भी बाइक्स की मॉडिफिकेशन और रिस्टोरेशन करते हैं? मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा था, यूट्यूब पे, सही है, तो आपकी काफ़ी अच्छी वीडियो थी, मैंने आपकी वीडियो सारी देखी हैं, सही है, तो उससे फिर आपको एहसास की। अच्छा, तो सर आप हमें ये बताएं कि आप हमारे पास आए कहाँ से? मैं बेसिकली 18,000 उससे थोड़ा सा आगे, ठीक है, वहाँ से आया हूँ, ठीक है, वो जंग से कितना डिस्टेंस है? जंग से तकरीबन है 40-45 किलोमीटर। सही है, तो ये उसामा भाई हमारे पास जंग से तकरीबन 40-45 किलोमीटर का सफ़र है, वहाँ से ये बाइक लेके आए थे, और इस बाइक को तैयार होने में तकरीबन 1.5 से 2 माह या इससे ज़्यादा भी आप कह सकते हैं इतना टाइम लग गया था, क्योंकि इस बाइक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि इसका सामान ईजीली मिलता नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बार बार हमें सामान मंगवाना पड़ता है लाहौर से या फैसलाबाद से, तो इसीलिए इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस जानना चाहते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुलसकीना रोड, बहादुर टाउन, जंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पर सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी, जिससे आप आसानी हमारी शॉप तक पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।